तो विश्वनाथ मंदिर के पुजारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य जो मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि अंदर मंदिर था। अब इसको लेकर देखिए, अभी सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल है, छत के ऊपर मस्जिद के नीचे। कल सर्वे मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि अभी और वक्त लगेगा, कल भी सर्वे होगा, ये जानकारी दी जा रही है। मोइन लगातार बने हुए हैं। मोइन देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो पुजारी हैं, जो साधु संत हैं, उनमें उत्सुकता दिखाई दे रही है, विक्ट्री का साइन भी दिखाया गया। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई है जो बातचीत कर सकता है, या फिर ये कहा जा रहा है कि उनमें उदासीनता है आज के सर्वे को लेकर भी और इस पूरी कार्रवाई को लेकर भी। मोइन, देखिए आपको एक अहम जानकारी दे दें कि गोदौलिया से लेकर विश्वनाथ धाम तक जाने वाला जो रास्ता था, जिसे जगह जगह बैरिकेड कर दिया गया था, पुलिस के सख्त पहरे में रखा गया था, अघोषित कर्फ्यू सा स्थिति यहां पर थी, उस रास्ते को खोल दिया गया है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हैं। वीरेश जी, आप बता रहे थे तकरीबन एक घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार भी बाहर आ गए, शायद इसी वजह से रास्ते को खोल दिया गया है। जी, मुस्लिम पक्ष बाहर निकल गए हैं और अभी नमाज होनी है, नमाज अदा करने के लिए ये रास्ता खोल दिया गया है। गेट नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गोदौलिया से हम लोग आगे बढ़ते हुए। और ये जो सड़क है, जो कई लेयर की बैरिकेटिंग, ये विश्वनाथ धाम ट्रस्ट का ऑफिस है, ये दिखाना चाहेंगे हम अपने कैमरा सहयोगी से, कहेंगे कि विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के ऑफिस को पार कर रहे हैं और सीधे हम गेट नंबर 4 की तरफ पहुंच रहे हैं, जो वीवीआईपी गेट कहा जाता है, जहां से सर्वे करने वाली टीम गई थी, जहां पर ज्ञानवापी का विवादित परिसर स्थित। मोइन, आप देखिए कि सुरक्षा के कितने इंतजाम थे। देखिए बैरिकेटिंग हटाई जा रही है, अपने कैमरामैन से कहूंगा हटाई जा रही बैरिकेटिंग को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये सुरक्षा के इंतजाम थे। और जब सारे पक्षकार निकल गए तो गेट नंबर 4 की तरफ हम लोग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखिए गेट नंबर 4 कैमरे में दिख रहा है, ये जो सामने आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर न्यास लिखा हुआ उसका ऑफिस है। तो सर्वे खत्म होने के बाद की सबसे पहली तस्वीरें आप एपी गंगा पर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। और देखिए कुछ ही सेकंडों के अंदर यहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ गए हैं। आज लोगों के अंदर उत्सुकता भी है, शायद इसी वजह से लोग यहां इतने इकट्ठे हो गए। निश्चित रूप से उत्सुकता तो है ही, हम सब में उत्सुकता है। और ये देखिए गेट नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं, यही वो रास्ता है जहां से सारे सर्वेयर अंदर गए थे, निरीक्षण करने के लिए अंदर गए थे, पक्षकार अंदर गए थे, वादी प्रतिवादी अंदर गए थे और सारे लोग और पुलिस के कमिश्नर सारे लोग। देखिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम है पूरी तरीके से। ये अंदर जाने का जो रास्ता है अभी बैरिकेड है, कहीं भी पैदल जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। और ये गेट नंबर 4 है जहां से सर्वे करने वाली टीम गई थी। और हम पीछे के हिस्से में आते हैं जहां से मस्जिद का गुंबद दिखता है, जहां पर आज सर्वे हुआ है, उसे एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बीच में एक होर्डिंग लगा दी गई है ताकि लोग जो है तस्वीरें ना ले सके। और ये ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स की चहलकदमी यहाँ पर देखी जा रही है। निश्चित रूप से अर्धसैनिक बलों के हवाले है ये ज्ञानवापी मस्जिद और जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है, यहाँ सीआरपीएफ के जवान हैं, यहाँ बीएसएफ के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, साथ ही साथ पीएससी भी लगाई गई है, यूपी पुलिस के जवान तो यहाँ रहते ही हैं। मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उस गुंबद को दिखाना चाहूँगा जिसे रोकने की कोशिश ये पोस्टर लगाकर किया गया है, लेकिन वो मीनार भी दिख रही है, वो दीवार भी दिख रही है, वो पूर्वी और पश्चिमी दीवार भी दिख रही है और वो गुंबद भी दिख रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद भी दिख रहा है जहां पर सर्वेक्षण हुआ, जहां सर्वे हुआ। मोइन जी, बिल्कुल। तो सर्वे के बाद सबसे पहली तस्वीर इस ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसके गुंबद आप साफ तौर पर देख सकते हैं, विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 की, जहां से लोगों ने एंट्री की थी और सबसे पहले हम यहां पर दौड़ते हुए पहुंचे थे, हम और वीरेश जी। वीरेश जी, इसी वजह से थोड़ा सा आप हाँफ रहे थे, सांस भी फूलने लगी थी। निश्चित रूप से हाँफना और दौड़ना तो हमारा काम है, क्योंकि सबसे पहले तस्वीर एबीपी गंगा के दर्शकों को हम देना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहते हैं। और टेलीविजन स्क्रीन पर ज्ञानवापी मस्जिद को आप देख रहे होंगे और इसी मस्जिद में सर्वे हुआ, पश्चिमी द्वार भी दिख रहा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर, वो मीनार भी दिख रही है, वो दरो दीवार भी दिख रही है, जहाँ पर जिसकी उत्सुकता, जिसे देखने के लिए सभी लोग लालायित हैं, उत्सुक हैं कि आखिर क्या हुआ, तहखाने का रहस्य क्या है।
देखिए यहाँ पर सर्वे के दौरान किस तरीके का माहौल रहा होगा ये हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, वो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें। एक एक दुकानें बंद थी, सारे दुकानों में ताले लटके हुए थे और हर एक बिल्डिंग हर एक इमारत पर पुलिस कर्मी खड़े किए गए थे ताकि कोई छत पर ना पहुंच सके, किसी तरीके के चित्र ना ले सके, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना कर सके। तो धीरे धीरे कर अब दुकानों के शटर उठने शुरू हो गए हैं और उत्सुकता वक्त बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मीडिया के भी तमाम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो सर्वे के बाद सबसे पहली तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, क्या माना जाएगा? वो ये जो दुकानें हैं धीरे धीरे करके खुल रही हैं, सवेरे से बंद थी। और एक जानकारी और दे दूं कि ये जो ऊपर जो छत दिखाई दे रहा है, हर जगह शार्प शूटर मौजूद थे, जो जो बहुत ही शार्प शूटर हैं सीआरपीएफ के, वो साथ ही साथ यूपी पुलिस के, पीएससी के, वो सारी छतों पर, चाहे बांस फाटक का इलाका हो, चौक थाने का इलाका हो, गेट नंबर 4 हो, जबकि गोदौलिया का इलाका हो, शार्प शूटर मौजूद थे कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना हो तो हिसाब किताब किया जा सके और डंडा बनाया जा सके और साथ ही साथ शिमला भी बनाया जा सके इस टेम्परेचर में। देखिए वीरेश जी, ये जो ठीक सामने शायद हमारे कैमरा पर्सन, ये होल्डिंग के जरिए वो जगह को ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन ठीक सामने आप जो लोहे के एंगल देख रहे हैं ये मस्जिद के इस ऊपरी हिस्सा है और इसके ठीक नीचे मस्जिद का तहखाना है और उसी तहखाने को आज खोला गया है, उसके कई कमरों में सर्वे हुआ है। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे कि वो कैमरे के जरिए उस जगह को दिखाने की कोशिश करें जहां पर आज सर्वे किया गया है, तहखाने को दिखाने की हम कोशिश आपको कर रहे हैं जिस तहखाने का सर्वे किया गया है। तो एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं यही वो जगह है जो लोहे के एंगल लगे हुए हैं, ऊपर के हिस्से में मस्जिद है, गुंबद से पैन करके जरा दिखाइए ताकि एस्टेब्लिश हो सके कि यही वो मस्जिद है और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है वो तहखाना है। उन तहखाने के दरवाजों को आज खोला गया है, ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई थी, चाबी मिल गई थी, इंतजामिया कमेटी ने चाबी मुहैया कराई थी, हालांकि जद्दोजहद के बाद मुहैया कराई थी चाबी। तो यही का सर्वे हुआ है। मैं अपने छायाकार से कहूंगा कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाएं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, सुरक्षा कर्मियों से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। और अब देखिए हमारे कैमरामैन ने अपनी पोजीशन संभाल ली है और अब आपको बैरिकेटिंग दिखेगी, लोहे के ग्रिल दिखेंगे, वो तार दिखेगा जिसकी हम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो तहखाना दिखेगा, वो गुंबद दिखेगा, वो दरो दीवार दिखेगी, वो पश्चिमी दिखेगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो सुरक्षा कर्मी एतराज कर रहे हैं इसलिए वो नीचे आ जाए। ठीक है ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और ये कमांडो हैं और ये एनएसजी के कमांडो भी हैं, यहाँ पर नाम अलग अलग है लेकिन सुरक्षा में लगे हुए हैं और इन्हीं की जामबाजी से, इन्हीं के मेहनत से कानून व्यवस्था बना रहता है और हम इनको नमस्कार प्रणाम करते हैं। और जिस तरीके से ये चाक चौबंद हैं इसी वजह से कोई अप्रिय घटना आज नहीं हुई, कोई किसी भी तरीके से कोई घटना नहीं हुई, इसलिए हम इनकी बात को मानते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार फिर एबीपी गंगा के उस गुंबद को जरूर दिखाएंगे। यही वो गुंबद है ज्ञानवापी मस्जिद का जिसके नीचे के तहखाने में सर्वे हुआ, जहां कल नमाज अदा करने मोहम्मद मोइन गए। जी बिल्कुल, ये ठीक सामने जो देख रहे हैं ये मस्जिद के गर्भगृह के ऊपर बना हुआ गुंबद है। तो मस्जिद के गर्भगृह पर गुंबद बना हुआ है, इसके साथ साथ बाहर एक बरामदा है, बरामदे पर भी जो आगे जो दो बड़े गुंबद दिख रहे हैं आगे की तरफ के, वो बरामदे में खड़े किए गए हैं, उस पर पिलर लगाकर खड़े किए गए हैं। और जहां हमने ग्रिल से नीचे की जगह दिखाने की कोशिश की है, हमारे कैमरा सहयोगी अभी दिखा रहे थे, उसी के ठीक नीचे तहखाना है, उसी तहखाने में तमाम दरवाजे हैं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आज जद्दोजहद के बाद चाबी मुहैया कराई, उसके बाद उस तहखाने को खोला गया, सर्वे कराया गया। और जिस पश्चिमी दीवार की आप बात कर रहे हैं, दर्शकों के मन में भी बहुत उत्सुकता होगी, तो हम कैमरे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि जब इस गेट नंबर 4 से अंदर जाते हैं, जिसे वीवीआईपी गेट कहा जाता है, तो जैसे ही हम अंदर की तरफ दाखिल होंगे, ठीक बाईं तरफ वो दीवार पड़ती है। कैमरामैन थोड़ा पीछे आ जाइए आप, और आपको बताएं कि ये जो मस्जिद का गुंबद दिख रहा है, इस गुंबद के ठीक पीछे का हिस्सा जो है वही पश्चिमी दीवार है, जहां पर एक खंडहर जो है अवशेष है किसी ढांचे के, और उसी खंडहर को, उसी अवशेष को लेकर जो वादी पक्ष है वो खासा उत्साहित है। अच्छा जी, उत्साहित है क्योंकि वो लोग जब बोल रहे थे तो बहुत सारा उनको लग रहा था कि बहुत एनर्जी मिली हुई है। बिल्कुल, तहखाने से जो कुछ पत्थर मिले हुए हैं, पत्थर में क्या कुछ था
ये अभी बहुत साफ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो तहखाने के मस्जिद के गुंबद के पीछे की दीवार है जिसे पश्चिमी दीवार कहा जाता है, और आपके पास लौटेंगे तस्वीरें दिखाएंगे। सर्वे पूरा हो चुका है आज का और 40% से ज्यादा सर्वे आ चुका है ये कहा जा रहा है। लेकिन अब देखिए, सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया रही है, वो भी जरा सुना दे दर्शकों को। तो पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया, अभी आगे सर्वे होगा तो पता चलेगा। पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। वादी प्रतिवादी सभी लोग मिल करके अच्छे वातावरण में आज का सर्वे हुआ। अच्छा, कितना परसेंट हुआ सर्वे? जो हुआ सकारात्मक हुआ, कल फिर 8 से 12 होगा, कल्पना से ज्यादा प्रभाव, बस इतना काफी। आज कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, सुचारू रूप से सर्वे काम कमीशन चल रहा है और कल के लिए जो है आने में गए थे सुभाषित आने में भी गए, सारे साक्ष्य गोपनीय है। अच्छा, जो बातें आप कह रहे थे कि मंदिर के भीतर तहखानों में है, ठीक है, सब जितने भी साक्ष्य आ रहे हैं सब गोपनीय है, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया या तोड़ना पड़ा नहीं कुछ। ताला खुल गया, जो ताला खुला चाबी थी खुला। जो प्रमाण आप कह रहे थे कि अंदर ये चीजें हो सकती है, प्रमाण है, लेकिन क्या है ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत बिल्कुल अपने पक्ष में है, सारे साक्ष्य अपने पक्ष में है। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि सारे साक्ष्य उनके पक्ष में है, लेकिन देखिए ये जो साक्ष्य अंदर से मिले होंगे सर्वे में जो आज मिला होगा वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसको कोर्ट में ही पेश किया जाएगा, उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल भी सर्वे जारी रहेगा पूरी सुरक्षा के बीच में, और हो सकता है कि परसों भी सर्वे यूं ही जारी रहे। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज का जो सर्वे का पूरा टाइम था वो खत्म हो चुका है, आज का सर्वे पूरा हो चुका है, 4 घंटे तक सर्वे, कल 2 जगहों पर सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कल फिर से सर्वे होगा, छत के ऊपर और मस्जिद के नीचे कल सर्वे होना है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी है, कल भी भारी सुरक्षा फोर्स के बीच में सर्वे किया जाएगा, कल ये कहा जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कि परसों भी सर्वे हो, छत के ऊपर का हिस्सा और मस्जिद के नीचे का हिस्सा जो है वहां पर कल सर्वे होगा, मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है, मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी है। देखिए कड़ी सुरक्षा वहां पर जब सर्वे अंदर किया गया और आज का सर्वे पूरा हो चुका है। आज जब आप अंदर गए तो क्या देखा? अंदर मैं गया तो वही पूरा मिट्टी उट्टी गिरी पड़ी थी, पहले कोई मतलब काफी दिनों से बंद होकर मरम्मत तो होती नहीं है, तो उसी तरह से पड़ा हुआ था। यानी खाने में मूर्तियां थी? नहीं, मिट्टी थी, मूर्तियां थी, मिट्टी थी, मिट्टी थी और कुछ नहीं था। अच्छा, जो खंभे थे वो कैसे थे जो आप बता रहे? खंभे पत्थर के थे, खड़े पत्थर के खड़े खंभे। हाँ, कुछ आकृतियां भी दिखी हैं? कुछ नहीं आपको? एक और चीज जानना चाहेंगे कि ये जो सर्वे है ये कल भी होगा? हाँ, कल 8 बजे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं आप लोग इस पूरे? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है 1 सप्ताह बाद, ये कहा गया कि 1 सप्ताह बाद पहले मामले की पूरी जानकारी। हमको पता नहीं है, हमको इतना सुना कि दाखिल है। तो मुस्लिम पक्ष के वकील को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, और ये कल भी कहा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इंतजामिया कमेटी ने भी ये कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं करता है तब तक वो सर्वे का पूरा साथ देंगे, मदद करेंगे सर्वे टीम की, ये कल भी उनकी तरफ से कहा गया था। और आज वही हुआ, जब सर्वे के लिए टीम पहुंची तो उसके बाद कुछ देर ये खबर जरूर आई कि वहां पर सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि सभी ने पूरा साथ दिया, और उसके बाद तहखाने से लेकर के अलग अलग 4 कमरों का सर्वे आज पूरा हो चुका है, और कल फिर से सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा। यहां पर अंदर क्या साक्ष्य मिल रहे हैं, क्या पाया जा रहा है, वीडियोग्राफी में क्या कैद हो रहा है, फोटोग्राफी में क्या क्या तस्वीरें कैद हो रही हैं, इसको लेकर कई तरह की बातें अभी हालांकि की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। अब पूरी टीम ये जान रही है कि अंदर क्या उन्होंने पाया है, जो कि कोर्ट में रखा जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा 17 मई को, फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। उससे पहले आज पूरे 4 घंटे यहाँ पर सर्वे का दौर चला, अलग अलग कमरों में टीम गई, वहां पर देखा गया जो पहले से दावे तमाम किए जा रहे थे, उन दावों में कितना दम है, जिन कलाकृतियों के बारे में जिक्र बार बार हो रहा था कि मंदिरों के अवशेष वहां पर, मूर्तियों के अवशेष वहां पर हैं, कलाकृतियां हैं, अब ये दावे कितने सच हैं,
या फिर तमाम दावे हवा हवाई साबित होंगे। इसको लेकर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। कोर्ट में ही सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। आज सर्वे में क्या क्या हुआ है वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी आज की गई है। तहखाने के 4 कमरे में सर्वे का काम पूरा हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर वहां की लगातार हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और देखिए 40% सर्वे का काम पूरा हो चुका है, आज ये जानकारी मिली। और तहखाना खुलने के समय 3 पत्थर वहां पर मिले। पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी भी हुई है। और सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर के, ये कहा जा रहा है कि ग्रिल से शुरुआत हुई, वहां पर वीडियोग्राफी की गई और उसके बाद लगातार भीतर टीम दाखिल होती है ताला खोल करके, और उसके बाद फिर एक एक 4 कमरों का सर्वे पूरा होता है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा अब तक का अपडेट क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ ये मस्जिद है। सुबह 5 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के 3 गेट खोले गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ 1 गेट, नंबर 1 वाला गेट खोला गया। सुबह 8 बजे सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंची और सर्वे टीम अपने साथ बैटरी और लाइट लेकर के वहां पर पहुंची। सुबह 9 बजे मुस्लिम पक्ष ने तहखाने की चाबी दी और सुबह 9:15 पर तहखाने का दरवाजा खोला गया। सुबह 9:30 बजे कुछ दरवाजों की चाबी ना होने से करीब 2.5 घंटे तक मस्जिद के तहखाने की सुबह 11:45 के करीब पहले दिन का सर्वे खत्म हुआ। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर यह है कि पहले कुछ देर तक चाबी के लिए बातचीत का दौर भी चला। सुबह एक बार खबर ये आई कि चाबी नहीं दी जा रही है या फिर थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन बातचीत के बाद चाबी मिली टीम को। उसके बाद चाबी से दरवाजा खोला गया और फिर टीम अंदर दाखिल हुई। एक एक करके 4 कमरों का सर्वे हुआ। ये अब तक का पूरा डेटा है, किस तरीके से क्या कुछ हुआ ये अपडेट है। हर एक जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। देखिए सर्वे जब से शुरू हुआ तब से लेकर के सर्वे जब खत्म हो गया है, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब वहां पर जितनी भी बैरिकेडिंग थी उसको हटाई जा रही है। हालांकि कल फिर से बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, लोगों को फिर से रोका जाएगा, लेकिन आज के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हर एक हिस्से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वहां पर। अब किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो होगा, श्रद्धालुओं की जो पाबंदी वहां पर लगाई गई थी श्रद्धालुओं के लिए, उन पाबंदियों को हटाया जा रहा है और अब अलग अलग गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ ये ज्ञानवापी मस्जिद है और इसीलिए भी गेट बंद करना जरूरी हो गया था।